हेलो एवरीवन दिस वीडियो इज अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द विटामिन कंटेंट इंक्रीजेस मतलब वो विटामिन जिसका कंटेंट बढ़ता है जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो वो विटामिन है विटामिन बी सो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय दैट मीनस जो ज्यादा क्वांटिटी में जो स्लज बनता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है सो द आंसर शुड बी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स क्योंकि जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं ये उस स्लज को ट्रीट करते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मतलब मिथिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हैं आर नॉट फाउंड इन कहाँ नहीं पाए जाते हैं तो देखिए जो मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो एक्टिवेटेड स्लज में नहीं पाए जाते हैं ठीक है एक्टिवेटेड स्लज जो होता है इसमें नहीं पाए जाते हैं जो बचा हुआ पार्ट होता है जो स्लज है जो स्लज डाइजेस्टर्स में जाता है सर टैंक में वो उस स्लज में मिथोनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो उसको डिकम्पोज करके जो मिथेन गैस है प्रोड्यूस करते हैं बट जो मिथनजिक बैक्टीरिया है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड देयर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देखिए इसमें बहुत ही ईजी है uh, देखिए लैक्टोबैसिलस से लैक्टो से लैक्टिक एसिड ब्यूटाइलिकम से ब्यूटैरिक एसिड एसिटाई से एसिटिक एसिड आपका ठीक है और नाइजर जब ये तीन क्लियर हो गए तो दैट मीन नाइजर से एज पर जिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड तो आपका जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन सी दैट आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बायो एक्टिव सब्सटेंस एंड रूल्स देखिए सब्सटेंस जो है स्टेटिन साइक्लोस्पोरिन है, है, लाइपेज है बट ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं इनका क्या रोल है तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल से याद रखिए कि लाइपेज जो है वो लाइपेज मतलब लिपिड दैट मीन्स ये ऑल स्टेंस को रिमूव करता है ठीक साइक्लोस्पोरिन ए ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है वो क्लॉट बस्टर्ड होता है दैट मीन्स ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करता है देन स्टाटेंस ये क्या करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर तो ऑप्शन डी देखिए वन सी टू डी थ्री आपका बी एंड फोर ए दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर तो ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर मतलब सबसे शुरुआती जो वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर होता है उसमें सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है तो आपको पता है जो फर्स्ट होता है उसमें जो ग्रिट्स होती हैं जो रैपर्स होते हैं जो उसके पार्टिकल्स होते हैं स्टेबल पार्टिकल्स जो उसमें होते हैं उनको रिमूव किया जाता है सो so, सिक्स का जो आंसर है दैट ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दैट मीन्स जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें हम ग्रिट है जो पार्टिकल्स हैं जो पेपरस हैं रैपर्स हैं दैट मीन्स उनको हम इससे रिमूव करते हैं तो नेक्स्ट आइए बात करते हैं सेवेंथ की बी देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वेस्ट वाटर का उसको एस्टिमेट किया जाता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ जो कैसे इसको एस्टिमेट करते हैं तो देखिए टोटल तो ऑर्गेनिक मैटर से इसको नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन है बायोडिग्रेडल ऑर्गेनिक मैटर से भी नहीं कर सकते ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता इसलिए उससे भी नहीं कर सकते हाँ ऑक्सीजन के कंजम्पशन से कर सकते हैं तो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन होता है उससे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वेस्ट वाटर की उसको निकाल सकते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं सो द ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन बिना डिस्टिलेशन के कौन सी जो ड्रिंक है वो प्रोड्यूस की जाती है तो देखिए विस्की रम और ब्रांडी ये जो है ये डिस्टिलेशन के बाद बनती हैं बट वाइन वाइन जो है वो बिना डिस्टिलेशन के होती है तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन आपको पता है कि जो बायोगैस प्लांट होते हैं उसमें बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है काउडंग से और इंडिया में उसको डेवलप करने वाली दो ऑर्गेनाइजेशन है एक है आईएआरआई और दूसरा है खादी विलेज एंड ग्राम जो इंडस्ट्रीज कमीशन तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फ्री लिविंग फंगस जो फ्री लिविंग फंगस है ट्राइकोडर्मा उसको यूज़ किया जा सकता है दैट कैन बी यूज फॉर देखो किलिंग इंसाइड बाइलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लाट डिजीज कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैपुलर्स और प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ तो दैट मीन्स इसमें देखिए सिंपल है ट्राइकोडर्मा अगर किसी जो फंगस है जो रहता है तो उसको हम बाइलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज में दैट मीन्स इसमें यूज़ कर सकते हैं तो बाइलॉजिकल कंट्रोल रहेगा प्लांट डिजीज में ट्राइकोडर्मा का ये इसका एक पैसिव यूज़ भी है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं वॉट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज एक्टिवेटेड देखिए ये क्या होगा जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो एक्टिवेटेड स्लज में है एक्टिवेटेड स्लज में वो रिड्यूज हो जाए तो सिंपल से यह जब जिस समय अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो से जो फ्लक है जो दैट मीन जो फंगल फिलामेंट के साथ जो बैटीरिया का जो एक्मलेशन है उसका सेंटर जो होगा वो वीक हो जाएगा एनाक्सिक हो जाएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा जिससे जो बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ हो जाएगी एरोबिक बैक्टीरिया की इवेंचुअली जो होंगे फ्लक्स जो है वो टूट जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द क्वेश्चन इज दैट वट वुड हैपन इफ द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है वो एटेस लज में अगर कम हो जाती है तो ठीक है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए माइकोराइजा माइकोराइजा आपको पता है माइको मीन्स होता है फंजाई एंड राइजा मीन्स होता है रूट माइको मीन्स फंजाई एंड राइजा मीन्स रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स तो दैट मीन्स जो माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट दैट डज नॉट हेल्प इन द होस्ट प्लांट होस्ट प्लांट को वो किस में हेल्प नहीं करता है देखिए ड्रॉट uh, में टॉलरेंस में इंक्रीज करता है फास्फोरस अपटेक में इंक्रीज करता है इन्हेंसिंग रेजिस्टेंट टू टूट पे इसमें भी करता है बट हाँ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट देने में प्लांट को इसमें कोई रोल माइक्रोराइजा का नहीं है दैट मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑफ ऑफ वन द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो देखिए देखिये और एजोटोबैक्टर ये ये हैं जो है ये आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो दैट मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिग होल्स जो स्विस चीज होता है ये वैरायटी है चीज की इसमें बड़े बड़े होल्स क्रिएट हो जाते हैं वो कैसे होते हैं मशीन से नो no. ए बैक्टीरियम जो मेथेन प्रोड्यूस करता है नो no. एबैक्टरियम जो लार्ज अमाउंट ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस करता है यस दैट मीन्स ये ऑप्शन सही है बैक्टीरिया ही होता है और वो सीओ टू प्रोड्यूस करता है और बैक्टीरिया जो होता है जो स्विस चीज़ के लिए वो होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी तो जो बैक्टीरिया का नाम है वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी तो आपको ये याद रहेगा शर्मनी एस से है और एस से स्विस चीज़ है तो इससे आप याद कर लीजिएगा तो दैट मीन्स जो स्विस चीज़ में बिग होल्स होते हैं वो आपके प्रोपनी बैटरी में शर्मनी बैटरिया होते हैं जो लार्ज अमाउंट में सीओ टू रिलीज़ करता है इसलिए बड़े होल्स हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द रेसिजू जो बचता है आफ्टर मीथिन प्रोडक्शन के बाद काउड से या केटल डंग से उसका क्या किया जाता है उसको बंद किया जाता है नो लैंड किया जाता है नो नो यूज एज मैन्योर दैट मीन ऑप्शन की तरह यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मिथेजन्स डू नॉट प्रोड्यूस अब देखिये मिथेजन्स क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं देखिये मिथिन प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोन सल्फाइड भी कर सकते हैं और सकते दैट मीनस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर डू नॉट तो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस नहीं करते दैट मीन्स यही आपका ऑप्शन सही है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली एक्टिवेटेड स्लज में एक्टिविटी होती है ये वो बहुत एक्टिवली सेटल कर जाता है सो दैट इट कैन तो उससे क्या किया जा सकता है तो सिंपल सा है कि आपको पता है कि जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको एज एन इनोकुलम यूज करते हैं और इनोकुलम की तरह उसको ऐड भी कर सकते हैं तो अगर वो ऐसा हो जाता है तो हम तुरंत उसको रैपिडली उसको पंप बैक कर सकते हैं सेडिमेंटेशन टैंक से एरेशन टैंक में ठीक है जहाँ पे उसका फिर एरेशन में जो एरोबिक डाइजेस्टर्स हैं उसको डाइजेस्ट कर देंगे तो ये आपका है कि वेन द एक्टिविटे स्लज शुड हैज में होनी चाहिए एबिलिटी टू तो सेटल डाउन जिससे ईजिली उसको एज एन इनोकुलम यूज कर सकें हम तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नाओ क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए इसमें क्या है कॉलम लेडी बर्ड माइकोराइजा बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोगैस तो देखिए माइकोराइजा माइकोराइजा जो है इसका जो एग्जांपल है ये है ग्लोमस ग्लोमस जो फंजाई है ये माइकोराइजा करता है अब बायोगैस बायोगैस अभी है थोड़ी देर पहले बात की थी जो मिथेनम बैक्टीरियम है वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए अभी बात की थी कि जो ट्राइकोडर्मा होता है वो करता है और लेडी बर्ड जो है एफिट्स है दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर एटीन का जो ऑप्शन है दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ माइक्रोरिज्म फॉर द वेल बींग ऑफ ह्यूमन देखिए ह्यूमन के अच्छे के लिए सेहत के लिए तो देखिए ह्यूमन के सेहत के लिए देखिए सीवेज ट्रीटमेंट डायरेक्ट रोल नहीं है ह्यूमन के लिए प्रोडक्शन ऑफ मिथेन डायरेक्ट रोल नहीं है बायोलॉजिकल कंट्रोल प्लांट इज नहीं है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड तो मिल्क से जो कर्ड बनता है वो कर्ड आपको पता है कि एक अच्छा प्रोबायोटिक होता है जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है हेल्प तो बहुत से जो पर्सनस हैं वो कर्ड को खाते हैं खाने के बाद या खाने के साथ तो दैट मीन्स इट दे द ऑप्शन डी एज अ डायरेक्ट रोल इन द वेल बींग ऑफ ह्यूमन सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ओके इस वीडियो में बेटा इतना ही हम लोग पढ़ेंगे वीडियो अच्छा लगा और तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तुरंत और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए जल्दी बाकी भी वीडियोस जो टॉपिक पे सभी टॉपिक्स पे क्लास इलेवन ट्वेल्थ और नीट के जितने भी मेडिकल के टॉपिक्स हैं सभी पे एन आपको मिलेंगे तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा